What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 26 जून 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:29 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। नया कॉन्ट्रैक्ट FNO सेगमेंट का शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 25 जून आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,377 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,206। तो कल के जो हमारा प्री मार्केट जो प्लान बन रहा था उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ टूवर्ड साउथ की तरफ और एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास ये ओपन हुआ था। इसका सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर की तरफ आया, गैप फिल हुआ और ये इन मूविंग एवरेजेस का ये रेजिस्टेंस हर्डल यहाँ पर फेस कर रहा था। और जब ये फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो फिर से एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। तो कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, और लेकिन ये जो लेवल्स है काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। और एक्सपायरी का दिन था, एक रेंज में ट्रेड हो रहा था मार्केट, पोजीशंस रोल ओवर कर सकते थे कल। तो यहाँ पर कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार देखे नाजनैक, तो फिर से एक बार हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ पर इकोनॉमी फिर से रीस्टार्ट होने के कगार पर है, मूड में है, लेकिन जो पेशेंट्स है कोरोना वायरस के वो लगातार वहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स भी हल्के से बढ़त के साथ कल बंद हुए थे। और एशियाई बाजार जब आज ओपन हो चुके हैं तो नया FNO कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है। तो SGX निफ्टी भी 31 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और जापानीज इंडेक्स भी 200 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर देखे तो 83 पॉइंट की इस समय गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल नए दिन, नया जो कॉन्ट्रैक्ट का शुरू हो रहा है, पहला दिन है, तो थोड़ा मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी की चार्ट के ऊपर। जैसे कि नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं निफ्टी के। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। जैसे कि हम लास्ट मंथ भी यहाँ पर ट्रेस कर रहे थे कि अगर ऊपर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। तो फर्स्ट ये 50 EMA का रेजिस्टेंस लेवल था लास्ट मंथ, जो कि इसने अभी इसके ऊपर ये इस महीने सस्टेन करने लगा है। तो यानी 10,166 के पास ये ब्लू 50 EMA का लाइन है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है और ऊपर की तरफ अगर ये अभी 3 सेशंस बाकी है इस महीने में, अगर इस मंथ में 50 EMA के ऊपर ये क्लोज होता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आने वाले समय में ये फिर से एक बार 20 EMA के ऊपर, यानी अभी फिलहाल ये 10,762 के पास है, तो 10,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है नेक्स्ट मंथ या फिर अभी जो 3 सेशंस बचे हैं इसमें अगर कुछ होता है तो यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है मंथली चार्ट में। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 10,750 के पास एक हर्डल होगा और नीचे अभी 10,100 ये सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये था मंथली चार्ट। वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो ये इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। पहले तो इसने 61.8% के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, हर्डल फेस किया और अभी ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर जो 50 EMA और 100 EMA आ रहा है, ये लगभग थोड़े से आसपास आ रहे हैं, 10,600 और 10,700 के आसपास है। तो ये हर्डल होगा। मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि 20 EMA भी अराउंड 10,760 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 10,700-600 के पास हो सकता है एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इसे कंफर्टेबली इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और नीचे अभी सपोर्ट ये यहाँ पर 10,044 के पास 20 EMA है, तो ये सपोर्ट जोन है और ऊपर ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो ये था लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट का एनालिसिस कि कहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो जो हमने लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था,
इसका जो 61.8% का लेवल है यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस करके फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया, तो एक्सपायरी नजदीक आ रही थी, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, पोजीशंस रोल ओवर हो रहे थे, तो यहाँ पर अभी ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ये सिग्नल था, इसके बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक आना जरूरी था और इसका ये जो लो है ये ब्रेक होना जरूरी था, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है और जो ओपन हुआ था उसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। हालांकि पैटर्न देखे तो लोअर हाई लोअर लो का बना है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो इसके कंपेयर में ये करंट कैंडल का हाई लो इसके नीचे है, तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन जो कैंडल बना है ये ग्रीन कैंडल बना है। अगर अभी इसका भी लो ब्रेक हो जाता है, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से 100 EMA जो कि अराउंड अभी 10,000 के पास है, फिर से एक बार 10,000 को सपोर्ट करते हुए निफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऊपर इसे 10,550 कंफर्टेबली क्रॉस करना होगा तो ही ये 10,700 के लेवल्स तक जहाँ पहुँचते हुए हमें दिखाई दे सकता है, और नीचे अगर कल का लो अगर ब्रेक करता है यानी 10,194 तो हमें 10,000 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में एक बार फिर से सपोर्ट के पास यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली मंथली चार्ट का सिनेरियो 60 मिनट के चार्ट में, क्या आज इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप देखें तो कल 2 times एक ही लेवल से यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा था, ये एक बार और ये दूसरी बार, तो यहाँ पर ये अभी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है ये लेवल्स के पास। तो यहाँ पर 10,200 यानी 10,199 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 10,165, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकेंड टारगेट होगा 10,123, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो आप देख सकते हैं कल आर्ली चार्ट में ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो रहा था, ऊपर जा रहा था तो 20 EMA का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे आ रहा था तो ये 50 EMA को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था 20 EMA का रेजिस्टेंस और 50 EMA का सपोर्ट, तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें कल देखने को मिल रहा था। तो इसका जो अपर बैंड है ये अभी R1 यानी पिवट पॉइंट का R1 का ये जो लेवल है इसी के पास इसका अपर बैंड आ रहा है। अगर कुछ दिनों पहले देखें तो यहाँ पर ही एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कल भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 10,368 को, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,393, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,416, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है, तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।